नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म 2023-24। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर थी, इसके बाद आपकी डेट बढ़ाई नहीं गई है। जिन बच्चों की चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, जिनकी सही से हो गई है, अब उनको इंतज़ार सिर्फ इसी बात का है कि कब मुझे पता चलेगा कि कौन सा डिप्लोमा कोर्स हमको मिला है और किस कॉलेज में मिला हुआ है। तो यहाँ बात करेंगे हम, क्या सीट अलॉटमेंट जारी हुआ होगा तो कब होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि जैसे ही सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपको कॉलेज में जाके एडमिशन कराना है। एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, फीस भी आपसे ली जाएगी, कितनी फीस ली जाएगी ये भी बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आप ध्यान से देख लीजिए, भले ही आपने एक बार देखी हो वीडियो किसी की और आपको पता है, तब भी आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हुए तो आपकी सीट जो है वो आपके हाथ से जा सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, जिसे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो देखिए और देखिए, अभी हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि सीट अलॉट जो आपकी होगी वो अलॉटमेंट लेटर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, अभी हम आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। उससे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई, यानी जब आपको सीट आवंटित हो जाएगी, मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली हुई है, तो उसके बाद आपको मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ उसकी दो टू कॉपी, दो दो सेट आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की करा के अपने प्रशिक्षण केंद्र यानी कॉलेज में लेके जाने, रिपोर्ट करने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर जो अभी जब आपका डाउनलोड होने लगेगा तो हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हम आपको अभी दिखा देंगे। साथ ही साथ हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि जो बच्चे टेंथ या ट्वेल्थ के कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या नहीं लेके जाते हो, तब भी आपको सीट जो आपकी है वो निरस्त कर दी जाएगी। आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल लेके जरूर जाने, यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है। टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उसकी टू कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, यहाँ पर सभी सबसे ज़्यादा बच्चों का एडमिशन यदि निरस्त होता है तो इसी वजह से हो जाता है। जिन बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के पहले की है तो वो ओबीसी वाले बच्चे अपना नया जरूर बनवा लें, क्योंकि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि आपने ईडब्ल्यूएस लगाया तो वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, अन्यथा आपकी सीट जो है वो आपके हाथ से जा सकती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एससी एसटी वालों की बात की जाए तो आपका 1-2 साल पुराना भी है तब तक भी आपका चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए कोई डेट यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अपना लेके जाएं, एफपीएच लगाया, एफएफ, एक्स आर्मी, यदि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए एप्लीकेशन फॉर्म में तो ओरिजिनल लेके जरूर जाएं, ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आधार कार्ड मूल रूप से और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में क्या आपका जाएगा, तो आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, टीसी आपसे मांगी जाती है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पर लेके जाने हैं। मेडिकल भी कहीं कहीं मांगा जाता है तो मेडिकल भी आपको बनवा लेना अपना, वो कब बनेगा, वो आप कैसे बनेगा हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा, ये तहसील में बनेगा जाके, और उसमें ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी बातें उस पर लिखनी पड़ेंगी और ये आपको तहसील में जाके बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन बात हम आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप जात जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी वाले बच्चे खासकर वो अपना नया बनवा लें, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आपका है तभी का होना चाहिए, अन्यथा आपकी सीट जो है निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ लिखा है प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने के, मूल अभिलेख यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है, सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाने पर आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेख प्रमाण पत्र सूचना कूट रचित पाई जाती है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। यानी कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई जाती है या आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, सही नहीं है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हो एडमिशन के टाइम, तो आपकी सीट आई सीट आपके हाथ में और वो वापस चली जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। तो तभी मैंने आपको पहले से बता दिया है, और सीट अलाउड होने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करके रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको सीट अलाउटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, चलिए हम आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट कौन से कॉलेज में मिली हुई है। कैसे पता चलेगा, तो आपने जैसे अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलिंग की, उसी के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन और ऐड हो जाएगा सीट अलाउट का। यहाँ पर जैसे ही नया ऑप्शन ऐड होता है आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली हुई है। हाल फिलहाल में अभी ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है, कब तक आपको पता चल सकता है, तो लगभग ये आपको 20 अक्टूबर तक पता चल जाएगा पहले उसे कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली हुई है, किस डिप्लोमा कोर्स की सीट आपने प्राप्त की है। तो जैसे ये पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन तब से उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।